हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सुशील एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। प्लीज़ सी दिस वीडियो टिल एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यस, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ड्रॉन द टेबल एंड वी हैव स्टडीड ऑल द नेम्स ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, बट टुडे वी विल डिस्कस देम इन डिटेल। नाउ chemically matter is classified in two types, pure and mixture. Pure, a substance is said to be pure in chemistry if it has a definite composition or if it is made up of only one type of particles. Otherwise it is impure, or we can say it is mixture. For example, if we take the example of milk, in chemistry we will take milk as a mixture, ghee as a mixture. We purchase so many things from the shop and we see that a tag of pure is written on those packets, and we consider that these things are pure. They are pure in the sense of daily life language, but they are not pure in the sense of chemistry. जैसे आपने कहीं से घी लिया और उस पर लिखा है शुद्ध देसी घी, प्योर देसी घी, घी कभी प्योर नहीं होता केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो घी कभी प्योर क्यों नहीं होता? क्योंकि घी में फैट्स होते हैं, बाकी मिनरल्स होते हैं, वो कई सारी चीजों का मिक्सचर है। तो इस तरह से एक प्योर सब्सटेंस जो है वो या तो एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता है, आइदर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, और हैव डेफिनेट कंपोजिशन, और या फिर वो कई तरह के पार्टिकल से मिलकर बना भी है तो उनका एक फिक्स रेशियो है उस प्योर सब्सटेंस में। जैसे पानी, जनरली अगर हम एग्जांपल लें पानी, वॉट एवर द सोर्स, स्रोत चाहे कुछ भी हो, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज ऑलवेज 1:8। चाहे आपके घर का पानी हो, चाहे मेरे घर का, चाहे अमेरिका, चाहे उड़ीसा, कहीं से भी हम पानी ले लें, अगर वो पानी है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो हमेशा 1:8 रहता है। कैसे? देखिए जरा, हाइड्रोजन का मास होता है 1 और यहाँ हमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स दिखाई दे रहे हैं रेशियो। ऑक्सीजन का मास होता है 16 और यहाँ हमें ऑक्सीजन का 1 एटम दिखाई दे रहा है। 2 ones are 16 and it will be get cancelled in 1:8. So if it is water, a compound of hydrogen and oxygen, if it is water, then it must have the ratio 1:8 by mass of hydrogen and oxygen. And if this ratio doesn't matches, or the that compound of hydrogen and oxygen don't carry this ratio, then that will be not said to be water. अगर ये रेशियो नहीं है किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तो वो वाटर नहीं है। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, H2O2, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यहां हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं। देखिए H2O तो वाटर है और ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, केमिकल है, हम इसे ड्रिंक नहीं कर सकते, हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, लेकिन ये तो हम जी नहीं सकते पानी के बिना, तो हमारे लिए ड्रिंक करना बहुत जरूरी है। देखो सिर्फ एक ऑक्सीजन के बढ़ जाने से पूरा नेचर चेंज हो गया। तो यही है प्योर की खासियत, प्योर सब्सटेंस में रेशो फिक्स रहता है, रेशो चेंज नहीं होता, या एक ही तरह के एटम्स हैं, जैसे कि सारे एटम ऑक्सीजन के ही हैं, 2 के 2, O3, तीनों के तीनों एटम ऑक्सीजन के ही हैं, ये हैं प्योर, समझ गए? तो प्योर 2 तरह के बने, या तो वो एक ही तरह के एलिमेंट, एक ही तरह के एटम से बने हो, और अगर वो एक से ज्यादा तरह के एटम से बने हैं तो उनका रेशो फिक्स हो।
और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर सिर्फ यही होते हैं, बाकी जैसे कहीं पर भी पैकेट्स में लिखा होता है प्योर घी प्योर दूध, तो प्योर नहीं है, वो मिक्सचर है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्योर जो है उसकी दो टाइप्स हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलिमेंट को स्टडी करते हैं। डेफिनेशन को हम टेबल से ही लेकर चलते हैं। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है, या ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स से बना है, उसे हम कहेंगे एलिमेंट। ठीक है, आज हमारे पास 118 एलिमेंट के आसपास हैं। टुडे अप्रॉक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स आर नोन विच आर अंडर स्टडी टुडे। ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स आर नोन टुडे। इनमें से 92 अप्रॉक्सीमेटली 92 जो हैं वो नेचुरली अक्रिंग हैं, प्रकृति में मिलते हैं, एंड रेस्ट आर मैन मेड। आउट ऑफ विच अप्रॉक्स 92 आर नेचुरली अक्रिंग एंड रेस्ट आर मैन मेड। अप्रॉक्स डाटा होता है, ये एग्जैक्ट तो नहीं होता, पर हाँ ज्यादातर बुक्स में 92 को ही ऐसा बताया गया है कि वो नेचुरली अकरिंग है, बाकी सारे मैनमेड। तो अब हम एलिमेंट्स के बारे में तो जान गए हैं, फिर हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स भी तीन तरह के हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स कहते हैं जिन्हें हम वो हैं। तो हम सबसे पहले मेटल्स के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स मेटल्स कहलाते हैं। कैसे होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव? इनकी टेंडेंसी होती है, सपोज करो M कोई मेटल है तो वो N इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के अपने ऊपर N पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेना, कैटायन बना देना, इसीलिए इन्हें हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, इनकी बाकी भी फीचर्स होते हैं, पर आप पहले ये सुन लीजिए कि मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स हैं। मेजॉरिटी 65% ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स। ठीक है, और देखिए मेटल्स की कुछ फीचर्स होते हैं। जनरली मेटल सॉलिड होते हैं, मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, मर्करी Hg जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। जनरली जो मेटल्स हैं वो सॉलिड हैं, सिर्फ एक एक्सेप्शन है मर्करी, जिसे हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। मेटल्स हार्ड होते हैं, लस्ट्रस शाइनी होते हैं, उनकी सरफेस पे चमक होती है, डक्टाइल, उन्हें खींच के तारे बनाई जा सकती हैं, मैलिएबल, उन्हें पीट के चदरे बनाई जा सकती हैं, सोनोरस वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर भी होते हैं। ठीक है, तो ये मेटल्स की कहानी है। मेटल्स के एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। 65% है बोला ना, मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स मेटल्स ही होते हैं। ये ज्यादातर प्रेडिक्ट टेबल में लेफ्ट हैंड साइड रखे गए हैं। प्रेडिक्ट टेबल में लेफ्ट हैंड साइड जो एलिमेंट्स हैं वो लगभग मेटल्स ही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है ये इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लेके नेगेटिव चार्ज गेन करना। सपोज करो y कोई नॉन मेटल है, ठीक है, उसने अपने पास n इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, लिया है, तो उसके ऊपर n नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट अपोजिट होती हैं मेटल्स से। ठीक है, तो मेटल्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये थी कि वो सभी मेटल सॉलिड थे, सिर्फ एक मर्करी लिक्विड था। नॉन मेटल जो है सॉलिड भी होते हैं, एक नॉन मेटल लिक्विड भी है और नॉन मेटल गैस भी होते हैं। सॉलिड नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल और गैस नॉन मेटल, मैं कुछ एग्जांपल सजेस्ट कर रहा हूं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि नॉन मेटल तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। वैसे मोस्टली तो सॉलिड और गैस होते हैं, लिक्विड सिर्फ एक ही है। जो लिक्विड नॉन मेटल है उसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन Br से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली, Br। सॉलिड नॉन मेटल में जैसे ग्रेफाइट है, कार्बन का फॉर्म है, सॉलिड है, डायमंड है, आयोडीन है, ये सब सॉलिड नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। गैस नॉन मेटल में कौन सा आता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी गैस है और ये नॉन मेटल है। हाइड्रोजन, हीलियम, ये सभी गैसेस हैं और ये सभी नॉन मेटल हैं। अच्छा, इसके बाद नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज है ऑलमोस्ट अपोजिट होती हैं मेटल्स से। जैसे नॉन मेटल जो है अच्छे कंडक्टर नहीं होते, पुअर कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, फिर भी एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है, बेसिकली ये कार्बन का फॉर्म है, इसका सिंबल भी सी होता है। कार्बन का एक रूप है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये एक अच्छा कंडक्टर है, मतलब कुछ हद तक कंडक्शन कर देता है, पुअर कंडक्टर नहीं है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, एक्सेप्शन है, नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्शन करता है। अच्छा, नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते, लस्ट्रस नहीं होते मीन्स उनके सरफेस पे चमक नहीं होती, फिर भी उसमें एक्सेप्शन है, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका सरफेस चमकीला है। कई बुक्स में डायमंड भी लिखा है पर मैं डायमंड को कंसीडर नहीं करता क्योंकि उसमें जो शाइन है वो उसके तराशने के बाद है, और दूसरा डायमंड में शाइन का रीजन उसका सरफेस नहीं है, उसके अंदर होने वाला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना है। यहां पर आयोडीन के सरफेस के ऊपर लाइट गिरकर रिफ्लेक्ट होती है, तो इस पे नॉन लस्ट्रस है नॉन मेटल्स, लेकिन एक्सेप्शनली आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टर शो करता है। वैसे अगर आप डायमंड लिखते हो तो कोई टीचर काटेगा नहीं उसको, पर मैं उसे कंसीडर नहीं करता। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते। आई थिंक आई डोंट नीड टू राइट इट। नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है और सोनरस भी नहीं है, साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो ये नॉन मेटल्स थे। इसके बाद अगला जो है वो है सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स। सेमी मेटल्स ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें ऑलमोस्ट मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, मतलब इनकी प्रॉपर्टी इन दोनों की इंटरमीडिएट होती है, कुछ कुछ मेटल्स की, कुछ कुछ नॉन मेटल्स की।
एलिमेंट्स हूज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट टू दैट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती हैं. आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेमी मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं. ये बेसिकली एग्जैक्ट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं प्रेडिक्टेबल में, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है. मैं जब प्रेडिक्टेबल करवाऊंगा तब इनको और डिटेल में करवाऊंगा. अब इधर आ जाइए, कंपाउंड हमारा अगला प्योर सब्सटेंस है. कंपाउंड, तो कंपाउंड क्या है? फिर क्लासिफिकेशन टेबल से हम डेफिनेशन को उठाएंगे. कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस. कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें कंपोनेंट्स का रेशियो फिक्स होता है. अ प्योर सब्सटेंस ये एक प्योर सब्सटेंस है मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स, जो दो या दो से ज्यादा तरह के एटम से बना. कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो बाय मास इन इट, विच आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास, जो इसमें मासेस के फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं. कंपाउंड जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पानी एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है. मैं एक्सहेल जो गैस कर रहा हूँ, मैं जो गैस छोड़ रहा हूँ ब्रीदिंग से रेस्पिरेशन के बाद, वो कार्बन डाइऑक्साइड है. आप जो गैस एक्सहेल कर रहे हो वो भी यही है. जितने भी एनिमल्स हैं जब भी वो ब्रीद आउट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. ये कैसे पता चला? क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं उन्होंने जब ब्रीद आउट किया तो उस गैस का अगर हम सैंपल लें तो उस सैंपल में कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो 3:8 रहता है. ये रेशियो फिक्स रहता है, इसका मतलब वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है. और अगर ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी. और इसमें दो तरह के एटम्स हैं, ऑक्सीजन के दो एटम्स और कार्बन का एक एटम. तो दो तरह के एलिमेंट्स के एटम्स इसमें हैं लेकिन वो फिक्स रेशियो में है. ठीक है, तो ये कंपाउंड. कंपाउंड बेसिकली दो तरह के हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग बींग्स में मिलते हैं, मोस्टली लिविंग बींग्स में मिलते हैं. फिर भी मैं आपको बता दूं, यूरिया ऐसा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे लैब में बनाया गया था. यूरिया एक ऐसा पहला कंपाउंड ऑर्गेनिक था जिसे लैब में बनाया गया था. तो कुछ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड अब लैब में भी बनते हैं, पर इनके लिए ये जो ऑर्गेनिक वर्ड है ये कहाँ से आया? ऑर्गेनिजम्स से आया. ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म मतलब ये ऑर्गेनिजम्स में ही मिलते थे. एक थ्योरी है वाइटल फोर्स थ्योरी, उसने तो ये तक कह दिया था कि लिविंग बींग्स में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं. इनको बनाने के लिए कोई मिस्टीरियस फोर्स रहस्य में ही बल जिम्मेदार है और वो बियॉन्ड ह्यूमन रीच, मानव की पहुंच से बहुत दूर है. ऐसा बल है जिसको मानव सोच भी नहीं सकता. तो वो थ्योरी फेल हो गई थी क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनने लग गए थे. लेकिन ऑर्गेनिक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये ओरिजिनली ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, मतलब इनका जो अस्तित्व है वो जीवों से शुरू हुआ है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स बेस्ड ऑन कार्बन ये वो कंपाउंड है जिनमें मेन एलिमेंट कार्बन होगा. कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं विच आर मोस्टली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मोस्टली जगह मेनली लिखी तो ज्यादा अच्छा है. ठीक है, और इनके लिए डेफिनेशन और भी लिख सकते हो आप. ये हाइड्रोजन और कार्बन के स्पेशल कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, या उनसे बने कंपाउंड्स हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं. तो वो बड़ी छोटी डेफिनेशन बनती है, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर
derivatives. हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन बेस कंपाउंड है जिनमें कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए कुछ हाइड्रोजन एटम्स का यूज हो रहा है, हाइड्रोकार्बन है एंड देयर डेरिवेटिव, और उनसे बने कुछ कंपाउंड्स हैं जिनमें कुछ कुछ जगह हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने बाकी एलिमेंट्स का यूज किया हो, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोर, सल्फर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे ग्लूकोज C6H12O6. प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ये बनाते हैं. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाते हैं, तो ये प्लांट्स में बनता है, ठीक है. और डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है. फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. अगला है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं? ये वो कंपाउंड्स हैं जिनका ऑरिजिन रॉक्स है या मिनरल्स है, मतलब जो चट्टानों में या खनिजों में मिलते हैं, मिनरल्स या रॉक्स में, वो इनऑर्गेनिक हैं, ठीक है. द कंपाउंड्स whose origin is minerals or rocks. ये वो कंपाउंड्स हैं जिनका ऑरिजिन मिनरल्स या रॉक्स हैं एंड दे आर नॉट कार्बन बेस्ड. आप ये ना लिखे चाहे अभी इसके एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको. कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑर्गेनिक नहीं है, इसमें कार्बन है फिर भी ये ऑर्गेनिक नहीं है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल मेंशन किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको हमेशा ये क्लियर रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन मैंने मेंशन किया है या उनसे बने होने चाहिए, इसीलिए मैंने वो दूसरी डेफिनेशन लिखी थी हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव. ये हाइड्रोकार्बन की कोई प्रॉपर्टी नहीं रखता, इसमें हाइड्रोकार्बन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है कार्बन के साथ. कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी ऑर्गेनिक नहीं है. कार्बोनेट CO3 negative से बने जो भी कंपाउंड होंगे कार्बोनेट आयन से, वो भी ऑर्गेनिक नहीं होंगे. हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक होंगे. तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या जितने भी कार्बोनेट्स हैं या जितने भी मेटल के बाई कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, वो सारे इनऑर्गेनिक में आते हैं. इनका मेन सोर्स मिनरल्स और रॉक्स होते हैं. नेक्स्ट है मिक्सचर. मिक्सचर एक फिजिकल चेंज का रिजल्ट है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को किसी भी रेशियो में मिला दिया जाता है तो मिक्सचर बन जाते हैं. बस वो सब्सटेंस जो है वो केमिकली रिएक्ट ना करे, आपस में रिएक्शन ना करे. मिक्सचर वेंट टू और मोर सब्सटेंसेस, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस हो, आर मिक्स्ड फिजिकली इन एनी रेशियो, दे फॉर्म मिक्सचर. इसीलिए इसे इंप्योर कहते हैं क्योंकि इसमें रेशियो फिक्स नहीं होता. अब जैसे दूध को मिक्सचर क्यों बोला जाता है, मिल्क इज एन मिक्सचर, व्हाई? रीजन ये है कि दूध, कहीं पर दूध में फैट्स की कंपोजिशन ज्यादा होती है, फैट्स का अमाउंट ज्यादा होता है, कहीं पर दूध में फैट्स कम होता है. तो उसके बेस पर हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरे यूनिवर्स में दूध की कंपोजिशन फिक्स रहेगी. गाय का दूध पतला माना जाता है, भैंस का दूध गाढ़ा माना जाता है, किसी की भैंस का दूध ज्यादा गाढ़ा है तो किसी की भैंस का दूध ज्यादा पतला है. तो समझ रहे हो आप कि पूरे यूनिवर्स में जिसकी कॉम्पोजिशन फिक्स ना रह सके उसे हम इम्प्योर कैटेगरी में रखते हैं, एंड दैट इज मिक्सचर. मिक्सचर फर्दर दो टाइप्स का होता है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस.
होमोजेनियस और हेटरोजेनियस। मैं एक बार ये टेबल रब कर रहा हूं ताकि मैं होमो और हेट्रो आपको अच्छे से समझा सकूं। मिक्सचर की टाइप्स पढ़ रहे हैं हम, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? होमो वर्ड का मतलब होता है सेम। ऐसे मिक्सचर जिसमें नीचे से ऊपर तक पूरे में कॉम्पोजिशन सेम रहे। आपने अगर सपोज करो ये एक मिक्सचर तैयार कर लिया है पानी और चीनी का, आपने यहां से एक चम्मच लिया और उसका सिप किया तो जितना मिठास आपको मिलेगा उतना ही यहां पर, उतना ही यहां से, उतना ही यहां से, मतलब पूरे में चीनी और पानी का रेशो ऑलमोस्ट सेम रहे तो उसे हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर की यही खासियत है कॉम्पोजिशन रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म। पूरे में कॉम्पोजिशन सेम रहती है। लेकिन अगर हम हेटरोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो पूरे में कॉम्पोजिशन सेम नहीं रहती। जैसे अगर मैं पानी और रेत का मिक्सचर लूं, वाटर एंड सॉइल या सैंड का, तो उसमें आप देख पाओगे कि नीचे के पानी में रेत सॉइल का अमाउंट ज्यादा होगा और ऊपर कम होगा। तो पूरे में पानी और रेत का कॉम्पोजिशन सेम नहीं है। कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम थ्रूआउट। ये हेट्रो वर्ड भी इसी को डिफाइन करने के लिए यूज किया गया है। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अलग अलग जगह पर कॉम्पोजिशन अलग अलग है। होमोजेनियस मिक्सचर में आपको एक ही फिजिकल स्टेट देखने को मिलेगी। सॉलिड है तो पूरा ही सॉलिड होगा, लिक्विड है तो पूरा ही लिक्विड होगा। जैसे मैंने अभी बताया अगर हम चीनी को पानी में बहुत अच्छे से घोल देते हैं तो हमें चीनी अलग नहीं दिखाई देगी, वो पूरा लिक्विड ही दिखाई देगा। वो पूरा मिक्सचर जो है मीठा पानी या शरबत वो पूरा एक लिक्विड फॉर्म में ही हमें दिखाई देगा क्योंकि वो चीनी उसमें अच्छे से घुल चुकी है। तो एक ही फिजिकल स्टेट दिखती है, तो पूरा सॉलिड होगा या पूरा लिक्विड होगा या पूरा गैस होगा, ओनली वन फिजिकल स्टेट इज सीन। तो सिंगल फेज इज ऑब्जर्व। फेज मतलब फिजिकल स्टेट, एक ही फिजिकल स्टेट ऑब्जर्व की जा सकती है। मोर देन वन फेज कैन बी ऑब्जर्व। एक से ज्यादा फेजेस फिजिकल स्टेट्स ऑब्जर्व की जा सकती हैं। कंपोनेंट्स के बीच में कोई सेपरेट बाउंड्री नहीं है, विजिबल सेपरेट बाउंड्री नहीं है। आप ये नहीं कह सकते ये चीनी है, ये पानी, ये पानी, ये चीनी। मतलब अगर आपने पानी और चीनी का मिक्सचर तैयार कर रखा है तो आप उसमें वेल डिजॉल्व कर रखा है, अच्छे से घोल रखा है, तो आप चीनी के पार्टिकल्स और पानी के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। विजिबल मतलब नॉर्मल देखकर, नेकड आई से आप ऑब्जर्व करके सेपरेट बाउंड्रीज देख नहीं सकते। नो विजिबल सेपरेट बाउंड्रीज, विजिबल सेपरेट बाउंड्री नहीं है बिटवीन दी कॉम्पोनेंट्स। लेकिन जब हमने पानी और रेत का मिक्सचर तैयार किया है तो बिल्कुल क्लियरली हम ये देख पाते हैं कि रेत नीचे बैठा है, पानी ऊपर है, उनके बीच में जो सेपरेट बाउंड्री है वो हमें दिखाई देती है। सेपरेट बाउंड्री बिटवीन द कंपोनेंट इज विजिबल। कंपोनेंट्स के बीच में
सेपरेट बाउंड्री विजिबल होती है, हमें क्लियरली दिखाई देती है। थैंक यू क्लास। अगले लेक्चर में हम मिक्सर और कंपाउंड के डिफरेंसेस और आगे चलेंगे इस यूनिट को लेकर। ये यहाँ तक का जो पोर्शन था, और कल वाले लेक्चर में जो मिक्सर और कंपाउंड का डिफरेंस हुआ वो 9th और 11th दोनों क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का सारा पोर्शन 11th के लिए होगा। थैंक यू क्लास।